नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। स्मृति ईरानी के करीबी नेता को गोलियों से भूना, राजनीतिक हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले अमेठी में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक हत्या की आशंका जताई जा रही है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक पूर्व प्रधान को गोलियों से छल्ले कर दिया है। मृतक सुरेंद्र सिंह को स्मृति ईरानी का करीबी नेता बताया जा रहा है। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार अमेठी के बरोलिया गांव में पूर्व प्रधान अपने घर के बाहर सो रहे थे। शनिवार देर रात बदमाशों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। हमले के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। अमेठी के एसपी ने बताया कि सुरेंद्र सिंह को रात में करीब 3 बजे गोली मारी गई। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जांच चल रही है। हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश या राजनीतिक कारण हो सकती है। सुरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के बेहद सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए जमकर प्रचार किया था। स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों के अंतर से मात दी है। पीएम मोदी ने सांसदों का अहंकार, छपास और वीआईपी कल्चर से बचने की दी नसीहत। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। मौजूद सभी सांसदों ने एक मत से प्रस्ताव का अनुमोदन किया और प्रधानमंत्री मोदी को भाजपा संसदीय दल के नेता स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक को संबोधित करने से पहले संविधान को नमन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में घटी यह घटना सामान्य नहीं है। जनादेश जिम्मेदारियों को बढ़ाता है और हमें नए भारत की संकल्प यात्रा पर नई ऊर्जा के साथ चलना है। नए सांसदों को सीख देते हुए मोदी ने कहा कि अहंकार से जितना दूर रहे उतना बेहतर है। अखबार के पत्रों से मंत्री नहीं बनते हैं, भीतर का कार्यकर्ता जीवित रहना चाहिए। सांसद ध्यान दे कि देश वीआईपी कल्चर से नफरत करता है, इससे बचे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।